नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक रजक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आज सुबह ही एक वीडियो बना के डाला था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु पर कि BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट कैसे चेक करें। उस वीडियो पे काफ़ी लोगों का कमेंट यही था कि उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं शो रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय द्वारा एक ऑफिशियल अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें बताया भी गया है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है एकदत्त समन संबंधित को सूचित किया जाता है कि अपर सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद लखनऊ के पत्रांक 242 दिनांक 16 जुलाई द्वारा प्राप्त निर्देश तथा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22/7/2020 में लिए गए निर्णय के अनुसार BSc तृतीय वर्ष के परीक्षा 2020 का परीक्षा फल 12/10/2020 को घोषित कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट है वह 12 अक्टूबर को ही घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत छात्रों का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यों नहीं शो हो रहा है, ये भी बताया गया है। जो विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपका रिजल्ट विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, यह परीक्षा फल परीक्षार्थी महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म के आधार पर घोषित किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपने परीक्षा फॉर्म भरा था ऑनलाइन महाविद्यालयों द्वारा, उसी के आधार पर घोषित किया जा रहा है। यदि परीक्षा फॉर्म में परीक्षार्थी या महाविद्यालय द्वारा कोई अपूर्ण या गलत सूचना दी गई होगी तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी परीक्षार्थी महाविद्यालय की होगी तथा कोई भी त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा फल निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये साफ बात कहा जा रहा है कि अगर आपकी परीक्षा फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत हुई होगी या कोई भी गलत जानकारी दी गई होगी तो उसकी जो पूर्ण जिम्मेदारी होगी वह महाविद्यालय द्वारा की गई होगी। तो मान लीजिए अगर आपका कोई भी गलती है तो आपका रिजल्ट अभी शो नहीं होगा, लेकिन जब महाविद्यालय द्वारा इसकी गलती को सुधार कर दिया जाएगा तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने परीक्षा फॉर्म भरा था विद्यालय द्वारा, तो वहाँ से अगर कोई गलती हो गई होगी या कोई गलती ना हुई होगी तब भी रिजल्ट लेट आएगा थोड़ा। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि परीक्षा फॉर्म धीरे धीरे उसी के आधार पर हो रहा है। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो इसीलिए धीरे धीरे एक एक कर का रिजल्ट आ रहा है। तो बस यही छोटी सी प्रॉब्लम है, आप अपने रिजल्ट को रेगुलर वहाँ से चेक करते रहिए, आपका रिजल्ट ज़रूर शो होगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।